Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School and Sunita Global Secondary School. I'm Om Prakash Suthar, your English teacher. You are welcome to online classes. We are learning, studying grammar. ग्रामर के हमने दो टॉपिक किए हैं, एक पहले टेंस किया था, टेंस के बाद में मॉडल पर. आई थिंक यू गॉट पीडीएफ ऑफ टेंस एंड मॉडल पर. बेटर यू गो थ्रू पीडीएफ. आप पीडीएफ में पढ़ोगे तो सब वापस आपका रिवाइज हो जाएगा. आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस. ये नाइन्थ में तो नहीं है लेकिन टेंथ और इलेवेंथ के लिए अप्लीकेबल है. ओके, टेंथ टू ट्वेल्थ, ट्वेल्थ जस्ट रिटर्न बिकॉज दे कैन अपडेट देयर स्किल्स, ग्रामर स्किल, बिकॉज देयर नो ग्रामर. बट बेसिकली एज पर सिलेबस के अनुसार ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो क्लास टेंथ और इलेवेंथ में है, आरबीएसई सिलेबस के अनुसार. ओके, एक्टिव टू पैसिव वॉइस. तो बोर्ड में टेंथ में इसके हमेशा तीन नंबर या चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इलेवंथ के अंदर पाँच नंबर दस नंबर के क्वेश्चन आते हैं. हाफ ईयरली, ईयरली, अकॉर्डिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ नंबर, जैसे नंबरों का डिवीजन होता है. ओके, तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस जब हम सीखते हैं पहले हमको पता तो होना चाहिए. वैसे थोड़ा हिंदी में भी बताऊँगा बाद में धीरे धीरे. एक्टिव वॉइस का मतलब है जब वाक्य कर्ता प्रधान हो और पैसिव वॉइस का मतलब जब वाक्य क्रम प्रधान हो. कि जब हम कब एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, दैट वी लर्न स्लोली, धीरे धीरे हम सीखेंगे. ठीक है, लेकिन जो आपके परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली एक्टिव वॉइस के वाक्य दिए रहते हैं और आपको उसको पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है. ऐसे वाइस वर्सा नहीं आता कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलो, ने तो टेंथ में आता ने ट्वेल्थ में आता. हालांकि दैट वैसे भी उसको भी हम कर सकते हैं. सो यू विल बी गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस. उनके पैसिव वॉइस में आपको बदलना पड़ता है. तो बिफोर वी बिगिन वी मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जब टेंस की बात करते हैं तो हाउ मनी टोटल टेंसेज आर इन देयर इन इंग्लिश. तो 12 टेंस होते हैं. कोई पूछे भी हाउ मनी टोटल टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, देर आर टोटल 12 टेंसेज. अब आपको पता है 12 टेंसेज तो होते हैं लेकिन सभी टेंस के वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल सकते. उसका रीजन हम बाद में बात करेंगे. तो अभी दूसरी बात होते हैं, हाउ मनी टेंसेज कैन बी कन्वर्टेड, मतलब उनको बदला, कन्वर्ट कर बदला जा सकता है इनटू पैसिव वॉइस. तो ऐसे कितने आउट ऑफ 12 टेंस, कितने जो टेंस होते हैं उनके वाक्यों को हम पैसिव वॉइस को होते हैं 8 टेंसों को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं. वो सब नीचे आएंगे धीरे धीरे, वी विल लर्न इट. तीसरी बात होता है विच आर द टेंसेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस. कौन कौन से जो टेंस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, वो दैट विल आल्सो लर्न. के जिसमें बी फॉर्म नहीं आता है वर्ब का, बी फॉर्म, उनको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं. जिसमें बी बीइंग या बीन शब्द आते हैं उनको वी कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस. तीसरी बात होता है विच आर द 4 टेंसेज, वो कौन, 12 में 12 होते हैं, 8 तो बदल सकते हैं, उनमें से कौन से ऐसे 4 टेंस होते हैं जो हम पैसिव वॉइस में नहीं बदलते, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस. तो वो पता अभी जब हम पढ़ेंगे वो पता लग जाएगा कौन से 4 टेंस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलते. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट वी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस क्या होता है. एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्ता प्रधान वॉइस, जहाँ पे सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. मैंने दो या छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी है. When subject plays active role at the beginning of the sentence, subject verb is also the doer of the action. क्या मतलब हुआ? When subject जो कर्ता होता है, जो वाक्य के शुरू में आता है और वाक्य में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, ऐसे वाक्यों को हम active voice कहते हैं. ठीक है, हमें जैसे मैं आई टीचिंग, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ आई पहले आया, ये आई सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस.
सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जो भी उसमें वर्ब है वो करने वाला डूअर और एक्शन भी वही सब्जेक्ट ही करता है। तो ऐसे वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। कहने का मतलब जब किसी भी सेंटेंस के अंदर कर्ता वाक्य के पहले आए और उसमें मुख्य भूमिका निभाते, और जो कर्ता होता है वही उसमें काम करने वाला एक्शन करने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। अब एक छोटी और डेफिनेशन, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो सब्जेक्ट होता है उसका जो वर्ब होता है, आल्सो द डूअर ऑफ एक्शन, अभी जो करता होता है वही उस काम को करने वाला होता है, द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, उस वर्ब को क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। सच है, जैसे यहाँ मैंने दो तीन एग्जाम्पल किए हैं, अभी आप भी समझना है कि भाई ये वाक्य कर्ता प्रधान है, एक्टिव वॉइस है, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे कोई बदलने की नहीं बात कर, अभी हम खाली एक डेफिनेशन समझ रहे हैं कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। राम प्लेज क्रिकेट प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य, राम क्रिकेट खेलता है। सोवन रीड्स ए स्टोरी, सोवन एक कहानी पढ़ता है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। माई वाइफ इज कुकिंग गाइस, मेरी पत्नी चावल बना रही है, पका रही है। तो आप देख रहे हो कि ये जो सब्जेक्ट पहले है, ये सब्जेक्ट मुख्य भूमिका निभा रहा है इस वाक्य में, और ये जो जितने भी वर्ब है इसको करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है, यही वाक्य कहलाते हैं एक्टिव वॉइस। तो आपको ये पता होना एक्टिव वॉइस क्या होता है, परीक्षाओं में एक्टिव वॉइस के तो सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, और उसको आपको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, वो अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। नाउ पैसिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, जब वाक्य क्या वो तो कर्ता प्रधान, अभी वाक्य कर्म प्रधान हो, जब ऑब्जेक्ट का ज्यादा इंपोर्टेंस होता है, कई बार कोई रिपोर्ट लिखते हैं जब हम काम को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, क्या काम किया गया, उस टाइम पैसिव वॉइस का यूज होता है। ब्रिटिश पीपल और ये अमेरिकन अंग्रेजी थोड़ा सेम अंग्रेजी होता है 90%, जैसे अमेरिकन ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं पैसिव वॉइस को, वेर एज ब्रिटिश पीपल गिव प्रेफरेंस टू पैसिव वॉइस। हम तो ब्रिटिश को ही फॉलो करते हैं, तो हम लोग पैसिव वॉइस इसलिए सीखते हैं कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा, उधर हमने बोला भाई वाक्य में सब्जेक्ट पहले होता है, अब क्या उसी जो ऑब्जेक्ट होता है वाक्य के पहले आ जाता है और उसमें मुख्य भूमिका निभाता है, ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट का मतलब कर, प्लेस का मतलब होता है निभाना, एक्टिव रोल, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय होकर के मुख्य भूमिका निभाता है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस वाक्य के शुरू में, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट द डूअर, और जो सब्जेक्ट होता है हालांकि वही करता तो वही होता है, मतलब काम करने वाला, लेकिन वो वर्ब का करने वाला उसके अनुसार नहीं होता है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट द डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है, इसका मतलब जब क्रम प्रधान वाक्य कब होगा, जब ऑब्जेक्ट वाक्य के पहले आता है सेंटेंस में और मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे मैं आई, जैसे पहले मैंने आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये तो एक्टिव वॉइस हुआ। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इंग्लिश इज टॉट बाई मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती। अब हम यहाँ इंपॉर्टेंस किसको दिया, मुझे नहीं दिया जा रहा है, मैं अंग्रेजी, लेकिन क्या अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, बट जो एम्फसाइज जोर दिया जा रहा है किसके ऊपर दिया जा, इंग्लिश के ऊपर दिया जा। ओके, तो जैसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखो, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट द डूअर, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और वो सब्जेक्ट पीछे चला जाता है तो वो एक्शन करने वाला नहीं होता, एक्शन एंड इज फैक्ट द रिसीवर ऑफ द एक्शन, और वहाँ ठीक है रिसीवर मतलब प्राप्त करने, काम करने वो प्राप्त करने वाला जरूर होता है। द वर्ब इज सेड टू बी पैसिव वॉइस, सच है। अब जैसे इतिहास हमने अभी पहले कुछ वाक्य लिखे थे उन्हीं को यहाँ पे पैसिव वॉइस में बदला है। ओके, ये जो वाक्य हैं जो पैसिव वॉइस में हमने लिखे, ये पूरे पैसिव वॉइस के अंदर है, पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस। इसका मतलब जितने भी है आप देखोगे, क्रिकेट पहले आ गया, स्टोरी पहले आ गया, इंग्लिश पहले आ गया, राइस पहले आ गया, ए बुक पहले आ गया, लेटर, ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ गया और हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सेंटेंस के बिगनिंग में, और ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस कहते हैं। अब कैसे ये बदले वो तो हम नियम सीखेंगे तब पता लग जाएगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय राम,
इज प्लेड बाय क्रिकेट है राम के द्वारा खेला जाता, लेकिन इम्पोर्टेंस किसको देन, क्रिकेट को देन। ए स्टोरी इज रीड, ए स्टोरी इज रीड बाय राम, रीड रेड रीड थर्ड फॉर्म रीड ही होता क्योंकि आप पता होना चाहिए जब पैसिव वॉइस बनाते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा कोई ना कोई साई क्रिया आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश इज स्पोकन बाय राम, अंग्रेजी राम के द्वारा बोली जाती। अब हम बाद में राम को पीछे सब्जेक्ट पीछे चलाया गया, अंग्रेजी राम के द्वारा बोली जाती, तो भी हम एम्फासाइज जोर किस पे दे रहे हैं, इंग्लिश इज स्पोकन बाय राम, राइस इज बीइंग कुक्ड बाय माय वाइफ, चावल मेरे पत्नी द्वारा पकाए जा रहे हैं। अब पका रही है वाइफ पका रही है, लेकिन अब हम इंपोर्टेंस दे रहे हैं राइस को, राइस इज बीइंग कुक्ड, चावल पकाए जा रहे हैं मेरी पत्नी के द्वारा। ए बुक इज रिटन बाय राम, ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो ऐसे जब हम ऑब्जेक्ट को पहले ला करके उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। अब एक नॉट ये है कि भाई ज़्यादातर जो ये पैसिव वॉइस बनता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का सकर्मक क्रिया जो आप हिंदी में बोलते हो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस ज़्यादा बनता है और इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हार्डली बहुत मुश्किल से बनता है। नॉर्मली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन हैव टू वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब हैव नो पैसिव वॉइस बिकॉज दे हैव नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे ये बहुत से जो ऑब्जेक्ट ले जो भी वर्ब होती है मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट लेती है वो तो ट्रांजिटिव, जैसे आई रीड ए बुक ये रीड है तो ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे आई स्लीप मैं सोता हूँ ये स्लीप है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, आई लाफ मैं हंसता हूँ तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उसके आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। ओके, ऑल द सेंटेंसेज ऑफ एक्टिव वॉइस कांट बी टर्न इनटू पैसिव, कहने का मतलब जितने हम अंग्रेजी में सेंटेंस होते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब वाले बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता, कांट बी टर्न, टर्न का मतलब होता बदला। तो ऐसे बहुत से कुछ सेंटेंस देते हैं इसको पैसिव वॉइस में बदलो, कोई बहुत से ऐसे क्वेश्चन करते हैं इसका क्या पैसिव वॉइस था, तो ऐसे बहुत से कुछ सेंटेंस हो सकते हैं तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। ओके, जैसे 8 में से 4 टेंस भी होते हैं जिनको पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। ओके, वी कैन कन्वर्ट 8 टेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, आउट ऑफ 12 में से 8 के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ओके, व्हेन टू यूज पैसिव, हम ये भी ज्यादा ऐसे आपके काम का नहीं है लेकिन ये है कि भाई पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं, कब पैसिव वॉइस को इम्पोर्टेंस देते हैं, जब हम कभी भी किसके ऊपर जोर देते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर देते हैं, जिस काम को किया गया उस काम के ऊपर जोर देते हैं, that time we use passive, when we want to emphasize, what is emphasize, जोर देना, on the things done or things accepted, acted upon instead of the doer or agent, agent का मतलब काम करने वाला को जो भी होता है उसके ऊपर जोर नहीं, काम के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, कई बार रिपोर्टें वगैरह बनाई जाती है तो वो पैसिव वॉइस के अंदर बनाई जाती है। ओके, अब ये दो चीजें आप ध्यान से सुनिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम अलग अलग सीखेंगे लेकिन एक लंबे तौर पे बाय एंड लार्ज यू मस्ट नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। अब हम एक्टिव वॉइस आपने जितने भी टेंस में अभी मॉडल वर्ब में बहुत से सेंटेंस सीखे थे वो जितने भी सेंटेंस है इस फॉर्मेट में बने हुए थे कि भाई सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब आ भी जाता है, नहीं भी आता है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मल अंग्रेजी के सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, बहुत जगह मेन वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों भी आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ भी हो, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर्मिंग मतलब जो सिंपल सेंटेंस हम बनाते, अब पैसिव वॉइस का ये एक फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी अलग अलग टेंस में अलग अलग जगह बदलेगा लेकिन तरीका यही रहेगा कि हाउ टू फॉर्म ए पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर,
सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में इसका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट। हालांकि हमेशा बाई सब्जेक्ट नहीं आते, लेकिन ये तो होता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, और टेंस के अनुसार कोई न कोई सहायक क्रिया आती है, और सहायक क्रिया के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई लगा करके जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, भी थोड़ा बहुत आपने टेंस और मॉडल वर्ब पढ़ा है, तो ये दो स्ट्रक्चर सीख लोगे तो आगे जो अभी हम एक्टिव पैसिव वॉइस सीखेंगे दैट विल बी मोर क्लियर इन योर माइंड। ओके, अब थोड़ा बहुत आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, कि तीन प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उनके सब्जेक्ट केस होता है, पॉसेसिव केस होता है, और ऑब्जेक्ट केस होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, सत्कर्ता। पॉसेसिव का मतलब स्वामित्व, जो उसके आपके अधिकार होता है। तो सबसे पहले हम आई लेते हैं, आई का पॉसेसिव मी, ऑब्जेक्ट का भी मी। ये वी, और वी होता सब्जेक्ट, इसका अवर पॉसेसिव, अस होता ऑब्जेक्ट। ये जो दोनों होते हैं ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं अंग्रेजी के अंदर। अब यू होता अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन थे, ये आई, और ये इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट पर्सन। और ये सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू होता है, और उसका सब्जेक्ट के रूप में यू एक वचन में भी आता, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू काम आता है। पॉसेसिव में योर्स, और ऑब्जेक्ट केस होता है यू। और ये थर्ड पर्सन के अंदर दो तीन प्रोनाउन आते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर थर्ड, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही सब्जेक्ट है, उसका हिज पॉसेसिव, हिम उसका ऑब्जेक्ट रूप। सी का हर, हर होता है दोना, और दे का देयर एंड देम। तो ये भी आपको बींग ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12, यू शुड ऑल मस्ट नो, शुड नहीं, मस्ट नो अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। उसका सब्जेक्ट केस क्या होता है, पॉसेसिव केस क्या होता है, और ऑब्जेक्ट, और एवरीथिंग इज गिवन योर ग्रामर बुक्स, यू मस्ट रेफर योर गाइड। आप, मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ में आपकी गाइड भी देखो, अच्छे नोट्स बनाओ। अंग्रेजी अच्छा करना है तो ग्रामर भी सीखना पड़ेगा। और इंग्लिश इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, इंग्लिश इज नॉट गुड, नथिंग इज गुड, ये ऑलवेज दिस रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, अब हम बात करते हैं रूल्स, रूल्स, रूल्स मतलब नियम। जब आप एक्ट में, एक अभी तक कोई शुरू नहीं किए हमने, हम अभी हम खाली डेफिनेशन वगैरह पे चल रहे हैं, कि रूल्स फॉर चेंजिंग, बदलना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बातें बात, उसके क्या नियम है। तो सबसे पहला नियम है टू चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आपको ज़्यादा नहीं लिखना, तो ये ब्रैकेट वाला आप कॉपी में नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा लिखो टू चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे के अदले बदले में, कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। जब कब, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते, पहला नियम है वेन द सेंटेंस इज चेंज फ्रॉम द एक्टिव, मैंने पूरा डिटेल में भी लिखा है, एक्टिव वॉइस इन टू पैसिव वॉइस, The object in the passive voice becomes subject. जो object होता है passive voice में subject बन जाता है in passive voice, and the subject in the active voice becomes the object in the passive voice. समझ में आया? The vice versa. तो आपको लिखना है तो खाली एक लाइन ही लिख सकते हो। If you want to do good study, write everything. जितना ज्यादा अंग्रेजी लिखोगे, समझोगे, आप English will be good. Use helping verb. अब कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पहले आता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद टेंस के अनुसार कोई न कोई सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आती है। यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेंस। किस टेंस का वाक्य है, मॉडल वर्ब का है या फिर इंपरेटिव सेंटेंस है, और कुछ और भी कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार आप ऑब्जेक्ट के बाद में कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लाओगे। द मेन वर्ब इज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल थर्ड। अब हमेशा देखा ना भाई, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म वर्ब की, जो ऊपर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं किसके अंदर, पैसिव वॉइस में, एंड एन एप्रोप्राइएट। व्हाट इज एप्रोप्राइएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, टू बी का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब, पुट बिफोर, इसके पहले लगाते हैं, पुट का मतलब लगाना। वी यूज एनी ऑफ दीज फॉर्म्स टू बी पैसिव वॉइस, तो बी आएगा किसी में, इज आर एम आएगा, वाज वर आएगा, बींग आएगा, बींग
ये बी फॉर्म कहलाते हैं। ओके तो अभी जैसे हेड के साथ बी आता, हेड के साथ सेल विल के साथ में भी बी आता है, तो और इज आर एम वाज वर हैज है जो भी है ये मतलब बी फॉर्म जरूर आएगा। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब भी ऑलरेडी ओवर हो गया। इफ देर आर अब कुछ और चीजें हैं, ये चीजें आपको एक एक करके समझना है, समझ में आ जाता अच्छी बात है, नहीं तो आप अंडरलाइन करके रखो। व्हेन स्कूल्स आर मे बी गोइंग टू ओपन वेरी सून, व्हेन यू कम टू स्कूल यू कैन क्लारीफाई योर ऑल टास्क। जितने भी आपके डाउट है लिख के रखो किसका क्या मतलब होता है। मैं ईच एंड इंडिविजुअल को भी हर एक को प्रत्येक मतलब अलग अलग को भी स्कूल में समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी वट एवर योर डाउट विल बी क्लियर क्लारीफाइड। ठीक है, इफ देर आर टू, यदि बहुत से ऐसे अंग्रेजी में वाक्य होते हैं उनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन द एक्टिव वॉइस देन एक्टिव वॉइस में देन गिव प्रिफरेंस। जब आपको उसको एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो प्रिफरेंस मतलब प्राथमिकता के फर्स्ट ऑब्जेक्ट को दे, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है जो मुख्य क्रिया के बाद जो मेन वर्ब होती है एक्टिव वॉइस के बाद में जो उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप प्रिफरेंस दीजिए और उससे आप पैसिव वॉइस में बदलिए, वो अच्छा रहता है। दूसरी बात है परीक्षा में आपको शुरू करके देते हैं, डोंट वरी। ओके विच इज जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब मुख्य क्रिया के तुरंत बाद जो वर्ब ऑब्जेक्ट होता है उसको लेकर के आप पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। यूज बाई, ज्यादातर हम लोग ऐसे साधारण जो आपके 9th 10th 11th का जो स्टैंडर्ड होता है उसको सब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं उससे पहले बाई लगाते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस वेयर यू नीड नॉट टू पुट बाई, कुछ ऐसे बहुत से होते हैं अनवांटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं, नहीं लगाने की आवश्यकता होती है। ओके यूज बिफोर सब्जेक्ट, अभी तो सीखने के पर्पज से आप सभी लगाओ उसको बाई लगा के, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हमको सीखना है। ओके सेंटेंस समटाइम्स मे बी अदर वर्ड्स, समटाइम्स मे बी कुछ दूसरे शब्द भी हो टू, जैसे टू भी लगता है कई बार एज फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में डिपेंड अपॉन द सेंटेंस। ओके यूज अदर एडवर्बियल वर्ड एज इट इज, और कोई दूसरे वाक्य में ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का तो हम इधर उधर करते हैं, और कोई दूसरे जो वर्ड्स आते हैं एडवर्बियल वर्ड बोलो या अदर उनको वैसे के वैसे वापस लिखते हैं। समटाइम्स सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस मे बी ओमिटेड, अभी मैंने बात की थी, मैंने ये अलग पॉइंट भी लिख दिया है। कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते, ओमिट करते हैं, उसको हटा देते हैं। वी विल डू, मैंने अलग से इसका काफी एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है उसको हम सीखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है यूजेस ऑफ वेरियस बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं इज आर एम, तो उसका क्या वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, अभी हम एक एक करेंगे इनके एग्जाम्पल, बट जस्ट आपको ये जानकारी होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार बदलते हैं। पास्ट सिंपल के अंदर वाज वर आते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल पहले मैंने तीनों सिंपल लिख दिए हैं तो उसमें बी आता है, मतलब विल और सेल के बाद में क्या आएगा बी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख रहे हो कि सभी पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑल कंटिन्यूस टू टेंस है, कंटिन्यूस का मतलब दो ही भाई, दो टेंस का ही फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, तो कौन कौन किस किस का, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दो ऐसे टेंस है जिनको हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। उसमें बी का कौन सा रूप आता है बी, तो सब क्या होगा उसका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ये, और पास सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके ऑल परफेक्ट टेंस, मतलब परफेक्ट तीनों टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के जितने भी वाक्य हैं उनमें तीन शब्द आता है, तो उनके फॉर्मूले मैंने यहाँ तीनों लिखे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बने सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, कोई दोनों यूज नहीं करते हैं एक ही करेंगे। ओके हैव बीन आता है भाई इसके साथ में, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। तो यहाँ पे आपको ये उनके एक्टिव वॉइस में भी जितने भी परफेक्ट टेंस रहते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट के,
एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो आपको इजीली वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस मिल जाती। अब बात होती है भाई मॉडल वर्ब के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदल, तो इसमें बी का फॉर्म क्या आता है, बी आता है उसमें ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, जो भी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा मॉडल जो भी कैन कुड मे माइट सेल शुड वुड कुड जो भी होगा उसके बाद में बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके सो ये हमने यहाँ तक जो भी पढ़ा है अभी तक शुरू नहीं हुआ, ये ओनली डेफिनेशन क्या क्या है, इनकी क्या नियम हैं, कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, कौन से टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ये आज हमने सीखा। ओके एंड वी विल एंड टुडे हियर ओनली, ये आपको रिवाइज करना जरूरी है ताकि हम कल से एक एक टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, उसके नियम क्या है, उसके एग्जाम्पल करेंगे। सो बेटर जो भी मैंने ये तीन पेज पढ़ाए हैं आपको, प्लीज रिवाइज इट, अंडरस्टैंड थॉरली, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और इफ यू डोंट यू आर अनएबल टू कॉन्टेक्ट मी जस्ट मेक ए नोट व्हेन यू कम टू स्कूल क्लैरिफाई योर डाउट। ओके वी विल एंड हियर, टुमारो विल बी कंटिन्यू विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।